हेलो गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, मैं हूं प्रोफेसर दिनेश शर्मा। नाम तो सुना ही होगा। लेकर आया हूं 12th स्टैंडर्ड इकोनॉमिक्स का न्यू टॉपिक, दैट इज डिमांड एनालिसिस। हम पढ़ रहे हैं नया सिलेबस जो कि एप्लीकेबल है 12th स्टैंडर्ड स्टूडेंट्स के लिए, हु विल बी अपेयरिंग द 12th स्टैंडर्ड इन फेब्रुआरी 2021। यस, फेब्रुआरी, मार्च, अप्रैल, जब कभी भी आप डिलेड डेट होंगी वो हिसाब से, यानी 2020 टू 2021 एकेडमिक ईयर के लिए ये जो सिलेबस है ये एप्लीकेबल है। आज मैं चैप्टर जो लेकर आया हूँ वो 12th स्टैंडर्ड के हिसाब से काफ़ी महत्वपूर्ण, काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर है मेरे प्यारे दोस्तों। यस, डिमांड एनालिसिस चैप्टर नंबर थ्री ए डिमांड एनालिसिस, चैप्टर नंबर थ्री बी इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, ये दोनों मिलकर सबसे ज़्यादा वेटेज रखते हैं, एज गुड एज 30 आउट ऑफ 80 मार्क्स ऑफ योर पेपर। 30 मार्क का पेपर जो है आराम से आप इन दोनों टॉपिक के ऊपर लिख सकते हैं। क्या बात कर रहे सर, इतने के अंदर तो हम जैसे गरीब पास हो जाते हैं। यस, डेफिनेटली अच्छे खासे गरीब स्टूडेंट जो है वो इतने से मार्क्स के अंदर आराम से पास हो सकते हैं, राइट। जैसे कि 20 मार्क्स तो आपके कॉलेज के वाइवा के प्रैक्टिकल के और 30 मार्क के दो चैप्टर, तो जो भी पबजी वालों छे वो तो आराम से पास हो ही जाएगा, राइट। सो शुरू करते हैं आज हम हमारा इंपॉर्टेंट चैप्टर जो है डिमांड एनालिसिस। डिमांड और डिमांड एनालिसिस, ये चैप्टर ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है बच्चों। इसकी बेसिक्स जो है काफ़ी अच्छे से करना। ये जो वीडियो है जो मैं आज बना रहा हूँ ये ना सिर्फ 12th स्टैंडर्ड के लिए यूजफुल है, इट इज़ यूजफुल फॉर 12th स्टैंडर्ड स्टूडेंट्स, इट इज़ यूजफुल फॉर CSEET स्टूडेंट्स, इट इज़ यूजफुल फॉर CA फाउंडेशन स्टूडेंट्स, इट इज़ यूजफुल फॉर CMA फाउंडेशन स्टूडेंट्स, इट इज़ यूजफुल फॉर BCom फर्स्ट ईयर एज वेल एज BBA फर्स्ट ईयर स्टूडेंट्स ऑल्सो, राइट। क्योंकि कंटेंट सेम है, टॉपिक सेम है, थोड़े बहुत पॉइंट्स इधर इधर हो जाएंगे तो फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन होल ऑफ द क्रक्स जो होता है, जो बोलते हैं ना मेन पार्ट, जो ऑब्जेक्ट होता है वो सभी जगहों पर सेम है, राइट। तो शुरू करते हैं आज हम हमारा नया चैप्टर, दैट इज डिमांड एनालिसिस, राइट। इससे पहले कि मैं चैप्टर की शुरुआत करूँ, स्ट्रेट अवे गोइंग विद द चैप्टर, लेट्स हैव अ ओवरव्यू ऑफ व्हाट ऑल वी आर गोइंग टू लर्न इन दिस चैप्टर, राइट। थोड़ा सा इंटरेस्टिंग बनाने की कोशिश की है मैंने हमारे वीडियो के लिए, तो इस तरह के अच्छे अच्छे चार्ट्स मैंने बनाए हैं इसमें। तो इससे पहले कि हम हमारा चैप्टर शुरू करें, हम एक छोटा सा ओवरव्यू लेते हैं कि हम इस चैप्टर में क्या क्या देखने वाले हैं दोस्तों, ठीक है। जिसमें पहला आता है इंट्रोडक्शन ऑफ डिमांड। इंट्रोडक्शन ऑफ डिमांड के अंदर हम देखेंगे डिमांड क्या होता है, डिमांड का मीनिंग क्या होता है, डिमांड कैसे कॉन्स्टिट्यूट किया जाता है और डिमांड को एक्सप्रेस कैसे किया जाता है। नेक्स्ट आता है मीनिंग ऑफ डिमांड। अगली हेडिंग है मीनिंग ऑफ डिमांड, डेफिनेशन ऑफ डिमांड, अलग अलग जो डिमांड के डेफिनेशन दिए वो हम देखने वाले हैं। फिर उसके बाद हम देखेंगे डिमांड स्केड्यूल, दैट इज टेबुलर प्रेजेंटेशन ऑफ डिमांड इन द फॉर्म ऑफ इंडिविजुअल डिमांड स्केड्यूल एंड मार्केट डिमांड स्केड्यूल। डिमांड स्केड्यूल के अंदर हमें ये दो हेड देखने हैं, इंडिविजुअल डिमांड स्केड्यूल एंड मार्केट डिमांड स्केड्यूल। फिर आएंगे टाइप्स ऑफ डिमांड, डायरेक्ट डिमांड, इनडायरेक्ट डिमांड, जॉइंट डिमांड, कंपोजिट डिमांड, दिस आर द वेरियस टाइप्स विच वी आर गोइंग टू सी इन दिस पर्टिकुलर हेडिंग। नेक्स्ट इज डिटर्मिनेंट्स ऑफ डिमांड, व्हाट आर द डिफरेंट फैक्टर्स, राइट, व्हाट आर द डिफरेंट डिटर्मिनेंट्स विच डिटरमाइन द डिमांड फॉर द कमोडिटी। नेक्स्ट लॉ ऑफ डिमांड, द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट, लॉ ऑफ डिमांड सबसे फेवरेट सभी एग्जामिनर्स का, व्हेन इट कम्स टू 12th स्टैंडर्ड इकोनॉमिक्स ये क्वेश्चन कंपल्सरी 8 मार्क का वेटेज रखता है। फिर लॉ ऑफ डिमांड, उसके अजम्पशंस, फिर उसके एक्सेप्शंस एंड फाइनली द वेरिएशंस इन डिमांड, राइट। सो दीज आर ऑल द पॉइंट्स विच वी आर गोइंग टू लर्न इन दिस पर्टिकुलर चैप्टर। ये है आपके चैप्टर का ओवरव्यू। अगर आप चाहो तो इसे नोट डाउन कर सकते हो। ये जो मेरे सारे नोट्स है दिस डिफर फ्रॉम योर टेक्स्ट बुक। सो मैं सभी स्टूडेंट से रिक्वेस्ट करूँगा कि आप 2 सेकेंड के लिए, दो मिनट के लिए जो वीडियो है पॉज करें। पॉज करने के बाद जो कुछ भी मैं यहाँ पर स्क्रीन पे बता रहा हूँ उसे नोट कर लीजिए, लिख लीजिए। इस तरह से आप आपके रनिंग नोट्स क्लास के कंप्लीट कर सकोगे। ये एक शॉर्ट ओवरव्यू देगा, मेरे नोट्स जो है शॉर्ट ओवरव्यू देंगे आपको, जिससे कि आप सभी चैप्टर को काफ़ी शॉर्ट के अंदर प्रिपेयर कर सकते हो। आपको बार बार टेक्स्ट बुक प्रिपेयर करने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, लेकिन पहली बार जब आप वीडियो देखोगे, वीडियो देखने के बाद एक बार ज़रूर मैं चाहूँगा कि स्टूडेंट्स ने टेक्स्ट बुक पढ़े। टेक्स्ट बुक पढ़ने के बाद फिर आप मेरे नोट्स रेफर करोगे तो आपको चैप्टर रिवाइज करने के लिए महज 1 घंटा लगेगा। अगर इकोनॉमिक्स में 10 चैप्टर है तो 10 चैप्टर को रिवाइज करने के लिए सिर्फ 10 घंटे ही आपको लगेंगे, राइट। सो वीडियो को पॉज करें, पॉज करके ये ओवरव्यू जो है इसे पहले लिख लें। राइट,
चलिए दोस्तों बढ़ते हैं अब हमारे फर्स्ट हेडिंग की ओर, दैट इज मीनिंग ऑफ डिमांड, दैट इज मीनिंग ऑफ डिमांड। डिमांड यानी क्या, राइट? देखिए अगर आप स्कूल जाते हो, क्लास जाते हो, दिन भर भूखे हो, स्कूल से आने के बाद आप घर पे ही जैसे पहुंचते हो, घर पे पहुंचने के बाद पहली चीज क्या डिमांड करते हो, वो है खाना, क्योंकि मम्मी बहुत भूख लगी है, मुझे खाना चाहिए, राइट? डिमांड को हम हिंदी में मांग कह सकते हैं, क्यों मराठी में हम इसे कहते हैं मांगनी, राइट? सो डिमांड मीन्स डिजायर, डज डिमांड मीन्स डिजायर? क्या मैं ऐसा कह सकता हूँ, डिमांड यानी डिजायर, इच्छा जिसे हम कहते हैं, राइट? एक मैंगो मैन, एक कॉमन मैन को अगर पूछे, कॉमन मैन मैंगो मैन, राइट? कॉमन मैन मैंगो मैन को अगर आप पूछो व्हाट डू मीन बाय डिमांड, डिमांड इज नथिंग बट द वांट वन हैज, राइट? ऐसे किसी भी कॉमनर का एक जवाब रहेगा। लेकिन मेरे प्यारे दोस्तों, डिमांड डज नॉट मीन जस्ट डिजायर। डिमांड इज कॉन्स्टिट्यूटेड विद द थ्री एलिमेंट्स ऑफ डिजायर, विलिंगनेस एंड एबिलिटी। ये जो मीनिंग है जो अभी मैं कह रहा हूँ, इसे काफ़ी अच्छी तरह से हम समझने की कोशिश करते हैं। चले आइए, ये जो प्लेयर दिख रहा है ना आपके सामने, ये आपके दिनेश सर है, ये मेरी स्कूल की फोटो है, जब मैं स्कूल में था तब की फोटो है, राइट? जब मैं छोटा बच्चा था, बड़ी शरारत करता था, किसी की नहीं सुनता था और क्रिकेट दिन भर खेलता था, राइट? इंडियन बॉयज जो छोटे छोटे बच्चे हैं, टीनेजर्स हैं, सारे इंडिया से जो जितने लोग भी बिलोंग करते हैं क्रिकेट के लिए, उनका प्यार बोलने की ज़रूरत नहीं है, कितना सारा है। तो मैं ऐसा काफ़ी बार हुआ है स्कूल लाइफ में कि पेरेंट्स से, डैड से उसी बैट से मार पड़ी है क्रिकेट के लिए, राइट? तो जब मैं छोटा था तो क्रिकेट खेलने हमेशा बाहर गली में और मैं जाया करता था, टीवी पे क्रिकेट देखा करता था, राइट? और कहीं ना कहीं सचिन तेंदुलकर को देखकर मैं काफ़ी प्रभावित हुआ, राइट? आई वॉज वेरी मोटिवेटेड बाई लुकिंग हाउ सचिन तेंदुलकर प्लेज। सो हर इंडियन बच्चे की तरह मैं भी सचिन तेंदुलकर बनना चाहता था। सही बात बोल रहा हूँ, वास्तविकता है, कोई भी मजाक नहीं कर रहा। मेरे रूम के अंदर मैंने काफ़ी बड़ी एक ऐसी पोस्टर जो है सचिन तेंदुलकर की, उस वक्त लगाई थी। पापा ने तो पूछा था, बेटे क्यों लगाया है? तो मैंने कहा मुझे सचिन तेंदुलकर बनना है। पापा बोले, पढ़ ले, तेरा कल्याण हो जाएगा, हमारा कल्याण हो जाएगा, राइट? सो व्हेन आई वाज स्मॉल, व्हेन आई वाज अ किड इन स्कूल, आई वांटेड टू बी अ क्रिकेटर, राइट? एंड आई वांटेड टू बी अ क्रिकेटर लाइक सचिन तेंदुलकर, राइट? तो आप सभी को मालूम है कि सचिन तेंदुलकर जो है वो MRF की बैट यूज़ करते थे। तो मैंने पापा से कहा कि भाई पापा, मुझे सचिन तेंदुलकर बनना है, तो तेंदुलकर बनने के लिए तेंदुलकर की जैसे बैट लगेगी, तो मुझे आप क्या करो, ये MRF वाली ये जो बैट है, ये बैट दिलवा दो ताकि मैं सचिन तेंदुलकर बोल सकूँ। छोटे बच्चे हैं, नादान है, हमें लगता है कि अगर हमारे पास सचिन तेंदुलकर जैसी बैट आ गई तो हम सचिन तेंदुलकर बन जाएंगे, राइट? सो फिर पापा ने बोला, ठीक है कोई बात नहीं, ले लेंगे, पहले देख तो ले प्राइस कितनी है उसकी। मैंने कहा ठीक है, देखता हूँ। अगर आप चेक करो MRF जीनियस की अगर बैट, अगर आप चेक करो ऑनलाइन, सो दिस प्राइस ऑफ दिस पर्टिकुलर बैट इज 14,000 rupees। सो व्हेन आई वाज स्मॉल, आई वाज किड, टीनेजर हु वाज स्टडिंग इन स्कूल, डू यू थिंक आई कैन अफोर्ड अ बाइंग अ बैट ऑफ रुपीज 14,000? बट ऑफ कोर्स नो। एक छोटे बच्चे के लिए जो स्कूल जाता है, उसके लिए बैट खरीदना, वो भी 14,000 की कोई भी बैट खरीदना, इतना आसान या नामुमकिन है। ये नामुमकिन क्यों है? बिकॉज आई डू नॉट पोजेस द एबिलिटी टू परचेस इट। एबिलिटी किससे आती है? पैसे से आती है। किससे आती है एबिलिटी? मनी से आती है। अगर आपके पास पैसा है, आपके पास कोई भी वॉन्ट, कोई भी डिज़ायर फुलफिल करने की ताकत है, राइट? जैसे किसी बेगर को या भिखारी को पूछ लो, उसकी काफ़ी इच्छा है, मेरा बंगला हो, गाड़ी हो, बीवी हो, बच्चे हो, बीवी बच्चे तो सबको ही चाहिए भाई, मेरा बंगला हो, गाड़ी हो, मोटर हो, नौकर हो, चाकर हो, राइट? ऐसे मेरे काफ़ी डिज़ायर्स है, आपके सारे डिज़ायर्स है, बहुत से लोगों के ऐसे अनगिनत डिज़ायर्स होते हैं, राइट? बहुत सी इच्छाएं, जैसे मुझे भी लगता है मेरे पास रोल्स रॉयस होनी चाहिए, मोबाइल में महंगे से महंगा फ़ोन होना चाहिए, iPhone 11 होना चाहिए, हर किसी को लगता है,
राइट। लेकिन हर कोई अपने ये जो डिजायर्स है, अपने ये जो वांट है, ये क्यों फुलफिल नहीं कर सकता? क्योंकि उनके पास वो एबिलिटी नहीं होती। मेरे दोस्तों, एबिलिटी किससे आती है? मनी से। बीइंग अ टीनेजर हु स्टडिंग इन स्कूल, डू यू थिंक आई विल पोजेस द एबिलिटी और आई विल हैव द मनी टू बाय अ बैट विच इज सो एक्सपेंसिव और यू कैन से विच वर्थ रुपीज 14,000? बट ऑफ कोर्स नो राइट। सो आई एम हैविंग अ डिजायर टू बाय द बैट, राइट। पहला मुद्दा क्या है? आई एम हैविंग अ डिजायर टू बाय द बैट, सो कैन आई से दिस इज डिमांड? नो। Why it is not demand? Because I do not possess the ability to fulfill my desire. That means desire should be backed by ability to fulfill it. Yes or no? Let's say मैं बड़ा हो गया, मैंने पढ़ लिख लिया, पढ़ लिखने के बाद मैं टीचर बन गया, टीचर बनने के बाद हमने SPC परवरी स्टार्ट कर ली, SPC परवरी में मेरे पास अभी अच्छे रिजल्ट आएंगे, आने वाले भी हैं, आगे बच्चे बढ़ने वाले हैं, एडमिशन्स होंगे और काफ़ी सारी फीस इकट्ठा होगी और फीस में से नाउ आई हैव दैट मनी, आई हैव दैट एबिलिटी, राइट। पहले वाले सिनारियों में मेरे पास एबिलिटी नहीं थी, लेकिन अब वाले सिनारियों में मेरे पास एबिलिटी है। सी, दो मिनट दीजिए। जो पहला एग्जाम्पल मैंने बोला था एज अ स्टूडेंट, उस वाले एग्जाम्पल में मेरे पास डिज़ायर था, राइट, लेकिन एबिलिटी जो थी वो मिसिंग थी, राइट। अब सेकंड सिचुएशन देखना है, मैं बड़ा हो चुका हूँ, आई एम अ टीचर, आई एम सेल्फ मेड, आई हैव स्टार्टेड अर्निंग ऑन माय ओन एंड लेट्स से आई हैव अ हैंडसम इनकम वेयर आई कैन अफोर्ड दिस बैट, राइट। सो व्हाट इज हैपनिंग इन द सेकंड सिचुएशन? आई एम पोजेसिंग दैट ability to buy that bat. अब मेरी कमाई उतनी है कि मैं आराम से MRF Genius की बैट खरीद सकता हूँ, लेकिन जब मैं छोटा था तब मेरी इच्छा थी सचिन तेंदुलकर बनने की, अब मैं बड़ा हो गया हूँ, मेरी इच्छा है कि एक अच्छा टीचर बनूँ और इसी में मेरा करियर बनाऊँ, अब मुझे सचिन तेंदुलकर बनने की कोई इच्छा नहीं है। सो इन दैट पर्टिकुलर सिनारियो, डू यू थिंक विल आई बी विलिंग टू स्पेंड 14,000 ऑन द बैट? बट ऑफ कोर्स नो। इसका मतलब क्या है कि अगर आपके पास एबिलिटी भी है तो एबिलिटी के साथ एक और चीज लगेगी, वो है विलिंगनेस। यस और नो? सो इस एग्जाम्पल से क्या समझ में आता है? अकेले डिजायर या इच्छा होने से कुछ नहीं होता, डिजायर और इच्छा के साथ हमारे साथ होनी चाहिए एबिलिटी। एबिलिटी आती है पैसों से, और पैसे एबिलिटी होने के बावजूद भी you should be ready, you should be willing to spend that on that particular desire or what, right? A person might be having an ability to buy a Rolls Royce, but he should be willing to spend such a huge amount on Rolls Royce. Ek gaadi 5 crore rupaye ki hoti hai kam se kam, right? Maan lo kisi ke paas ability bhi hai, uske paas paisa bhi hai, lekin pura paisa agar Rolls Royce mein lagayega to baki kya karega, right? So sirf desire se baat nahi banti, सिर्फ एबिलिटी होने से बात नहीं बनती, और सिर्फ विलिंगनेस से बात नहीं बनती। तो कहीं ना कहीं जब हम डिमांड का ये जो डेफिनेशन है, ये मीनिंग है, अगर हम इसे समराइज करने की कोशिश करें तो हमें क्या समझ में आता है? डिमांड इज इक्वल टू डिजायर प्लस एबिलिटी प्लस विलिंगनेस, राइट। आई होप दिस पॉइंट इज क्लियर। यस और नो? आओ नीचे वाले स्लाइड पे, राइट। सो अभी हमने देखा डिमांड का मतलब क्या। डिमांड कॉन्स्टिट्यूट्स 3 एलिमेंट्स, डिजायर प्लस एबिलिटी प्लस विलिंगनेस। डिमांड इज इक्वल टू डिजायर प्लस एबिलिटी प्लस विलिंगनेस। जैसे छोटे बच्चे की इच्छा है कि उसे रिमोट कंट्रोल की गाड़ी चाहिए, राइट, ठीक उसी तरह से उसके बड़े भाई की इच्छा है कि उसे एक मोबाइल फ़ोन चाहिए, उसके पिताजी की इच्छा है कि उसे पैसे चाहिए, उसके दादा की इच्छा है कि एक चेयर चाहिए, रिलैक्सिंग चेयर चाहिए जिसके ऊपर वो बैठ के आराम कर सके, राइट। लेकिन इन सभी डिज़ायर्स को पूरा करने के लिए आपको क्या लगेगी? एबिलिटी। एबिलिटी किससे आती है बच्चों? पैसों से आती है, राइट। एबिलिटी आती है पैसों से, लेकिन पैसे होने के बावजूद भी यू शुड बी विलिंग टू स्पेंड दैट पर्टिकुलर अमाउंट ऑन दैट particular desire. So demand is constituted with 3 elements: desire plus ability plus willingness. Is this point clear?
सो तीन ऐसे मुद्दे कौन से हैं जिसके जिसे हम जोड़े जो एकजुट आकर बनते हैं डिमांड, दैट इज डिजायर, एबिलिटी एंड विलिंगनेस. डिजायर यानी इच्छा, एबिलिटी आती है पैसों से, और विलिंगनेस आती है हमारे पैसों से, जो पैसे खर्च करने की जो तैयारी जो बोलते हैं उसे, वो हो गई हमारी विलिंगनेस. शुड बी विलिंग, राइट? सो डिमांड इज इक्वल टू डिजायर प्लस विलिंगनेस टू पे एंड एबिलिटी टू परचेस, राइट? प्लस एबिलिटी टू परचेस. डेफिनेशन ऑफ डिमांड, अभी एक डेफिनेशन हमारे टेक्स्ट बुक में दिया है. अकॉर्डिंग टू बेन हैम, डिमांड फॉर एनीथिंग एट अ गिवन प्राइस इज द अमाउंट ऑफ इट विच विल बी बॉट पर यूनिट ऑफ टाइम एट दैट प्राइस. इस डेफिनेशन से हमें क्या समझ में आता है? वी कैन अंडरस्टैंड अ स्मॉल पॉइंट फ्रॉम दिस पर्टिकुलर डेफिनेशन गिवन ऑन डिमांड, दैट इज डिमांड इज ऑलवेज एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ quantity, second price and third time. जब कभी भी आप किसी भी चीज़ की डिमांड करोगे तो यू हैव टू डिमांड, लेकिन डिमांड करते वक्त यू हैव टू कोट हाउ मच इज द क्वान्टिटी यू वॉन्ट, एट वॉट प्राइस यू वॉन्ट एंड एट वॉट टाइम यू नीड इट, राइट? वेन यू एक्सप्रेस द डिमांड इन टर्म्स ऑफ क्वान्टिटी, प्राइस एंड टाइम, वी ऑलवेज रेफर, वी ऑलवेज एक्सप्रेस द term demand in terms of quantity, price and time, right? Next, features of demand. Next चीज जो हम यहाँ पर देखने वाले हैं इस पहले part में, that is the features of demand. What are the different features of demand, right? First point is, demand is a relative concept. Demand is a relative concept, right? Relative concept का मतलब क्या होता है? रिलेटिव कंसेप्ट का मतलब है विच डिफर्स फ्रॉम पर्सन, प्लेस एंड टाइम. विच डिफर्स फ्रॉम पर्सन, प्लेस एंड टाइम, रिलेटिव कंसेप्ट, राइट? विच डिफर्स फ्रॉम पर्सन टू पर्सन, राइट? डिमांड इज नॉट ओनली रिलेटिव, डिमांड इज ऑल्सो सब्जेक्टिव. Demand is not only relative, but it is also subjective. Demand is relative as well as a subjective concept, which states demand differs from person, place and time, right? There is a person A and there is a person B, right? A is 21 years old and B is 60 years old, right? So B ki jo demand hogi, that will be of wheelchair. Now, will a youngster or a teenager who just 21 years age demand for wheelchair if he's physically fit? But of course no. Why? Because at that particular age, he does not require a wheelchair for a support for moving around. But for a 60 year old person, wheelchair will be required, as he may not be physically fit at that particular age for which he requires wheelchair to move around, right? So B person ke liye jo 60 saal ka boodha hai vyakti, uske liye wheelchair zaruri hai, lekin A vyakti jo sirf mahaz 21 saal ka ek teenager hai, uske liye wheelchair ka koi kaam nahi, to wo wheelchair ko demand nahi karega. तो व्यक्ति बदलता है, डिमांड बदलती है. एक ही चीज़ है व्हीलचेयर जो डिमांड की जाती है एक ऐसे व्यक्ति के द्वारा जो 60 साल की ऊपर की उम्र का है, और दूसरा व्यक्ति जो 21 साल का है, जो कम उम्र का है, टीनेजर है, यंगस्टर, वो बिल्कुल भी जो है व्हीलचेयर की डिमांड नहीं करता. इज दिस पॉइंट क्लियर, राइट? सो वी कंप्लीट द फर्स्ट हेडिंग, डिफर्स फ्रॉम पर्सन. प्लेस के बारे में हम बात करें, देखो महाराष्ट्र एंड तेलंगाना TS, हमारे यहाँ पर जवार ज़्यादा चलता है, जवारी की रोटी हम ज़्यादा खाते हैं महाराष्ट्र में, हाँ या ना, राइट? लेकिन तेलंगाना में आप जाओ तो राइस ज़्यादा पसंद किया जाता है, राइस ज़्यादा डिमांड करते हैं. तेलंगाना में लोग चावल ज़्यादा खाते हैं, राइट? और हमारे इधर महाराष्ट्र में जवार खाते हैं,
राइट. सो तेलंगाना में जो राइस की पसंद है दैट इज़ डिफर ऑन द प्लेस देयर एटमोसफियर दैट जो कुछ भी वहाँ पे जो एटमोसफियर बनता है जिसकी वजह से राइस वहाँ पे अबंडेंटली बनता है इसीलिए वहाँ के लोगों को ज़्यादा राइस खाने की आदत है राइट. ठीक उसी तरह महाराष्ट्र में जवारी की प्रथा है हमारे यहाँ जवार की रोटी ज़्यादा पसंद करते हैं मैक्सिमम लोग जवारी की रोटी खाते हैं राइट. सो दिस इज डिफरेंस इन द डिमांड ऑन द बेसिस ऑफ प्लेस. नेक्स्ट पॉइंट इज टाइम राइट. टाइम के आधार पे अगर हम डिमांड को डिफरेंशिएट करें तो दैट विल बी समर एंड विंटर. थिंक ऑफ अ कमोडिटी विच विल डिमांड इन समर बट ऑफ कोर्स आइसक्रीम. वो बात अलग है आजकल हम 12 महीने आइसक्रीम खाते हैं लेकिन मैक्सिमम डिमांड खाने की इच्छा कब होगी समर में. बट ऑफ कोर्स जैसे अभी मेरी इच्छा हो रही है आइसक्रीम मिल जाए तो अच्छा है काफ़ी गर्मी है यहाँ टेरेस पर राइट. नेक्स्ट विंटर में हम क्या पसंद करेंगे. विंटर में वी वुड रिक्वायर विंटर क्लोथ्स और वुलन क्लोथ्स. गर्मी के दिनों में वुलन क्लोथ्स कौन पहनता है. अरे सर आप तो पहनो इस वीडियो में. नहीं भैया जैकेट है गर्मी हो रही है बात अलग है लेकिन प्रेजेंटेशन इज रिक्वायर्ड राइट. सो विंटर में जो है विंटर में जो हम वुलन क्लोथ्स की डिमांड करते हैं और समर में आइसक्रीम या ठंडी चीज़ों की हम डिमांड करते हैं राइट. नाउ दिस चेंज इन डिमांड दैट इज डिमांड इन द कमोडिटी ऑन द बेसिस ऑफ वेरियस टाइम राइट. सो डिमांड इज डिफरिंग फ्रॉम पर्सन प्लेस एंड टाइम विच मेक्स डिमांड रिलेटिव एज वेल एज अ सब्जेक्टिव कंसेप्ट. यस और नो राइट. नेक्स्ट डिमांड इज एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ क्वांटिटी प्राइस एंड टाइम. जैसे कि अभी हमने डेफिनेशन में देखा था डिमांड को हम तीन तरह से एक्सप्रेस करते हैं. कौन से तीन तरह के हमें क्वांटिटी प्राइस एंड टाइम. आप किसी दुकान पे जाओ और बोलो भैया मुझे चॉकलेट देना डेरी मिल्क वाला डेरी मिल्क का चॉकलेट देना तो भैया क्या पूछेंगे कितने वाला दो और कितने दो राइट. 5 रुपये वाला 10 रुपये वाला 20 रुपये वाला 100 रुपये वाला 150 रुपये वाला अलग अलग तरीके अलग अलग जो डिफरेंट डिफरेंट टाइप और वैरायटी के चॉकलेट्स है डेरी मिल्क के राइट. उसमें से क्या प्राइस वाला देना है और कितनी क्वांटिटी देना है ये जब बताओगे तब दुकानदार आपको देगा राइट. सो व्हाट वी आर डूइंग वी आर ट्राइंग टू एक्सप्रेस द डिमांड फॉर द चॉकलेट्स इन टर्म्स ऑफ क्वांटिटी एंड प्राइस. इज दिस ओके राइट. सो डिमांड इज ऑलवेज एक्सप्रेस इन टर्म्स ऑफ क्वांटिटी प्राइस एंड टाइम. देर इज वन मोर फीचर विच आई वुड ऑल्सो लाइक टू शेयर विथ यू दैट डिमांड इज अ फ्लो कंसेप्ट. डिमांड इज अ फ्लो कंसेप्ट. डिमांड प्रोडक्शन सप्लाई ये सभी फ्लो कंसेप्ट है. देखो कंसेप्ट दो तरह के होते हैं. एक होता है फ्लो कंसेप्ट एक होता है स्टॉक कंसेप्ट. वेन एवर वी डू नॉट एनीथिंग विथ रिस्पेक्ट टू टाइम इट इज कॉल्ड एज फ्लो कंसेप्ट राइट. बट वेन वी डू नॉट एब्सोल्यूट फिगर इट इज कॉल्ड एज स्टॉक कंसेप्ट. जैसे कि बैलेंस शीट और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट. जब कभी भी हम बैलेंस प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते हैं तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के ऊपर हेडिंग क्या लिखते हैं बच्चों. प्रॉफिट एंड लॉस फॉर द ईयर एंडेड फॉर द ईयर लिखते हैं 1st April to 31st of March फॉर द ईयर. दैट मीन्स ऑल द फिगर्स विच आर गिवन इन द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट आर डिनोटेड विद रिस्पेक्ट टू द टाइम पीरियड विच इज शोन दैट इज 1st of April to 31st of March. इसीलिए प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट इज अ फ्लो कंसेप्ट. क्यों. क्योंकि हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को टाइम के साथ डिनोट कर रहे हैं. वॉट इज द टाइम 1st of April to 31st of March. जब हम बैलेंस शीट पे आते हैं सो व्हाट डू वी राइट ऑन द हेडिंग बैलेंस शीट एज ऑन 31st of March. इज इट फॉर द पीरियड और इज इट ऑन अ पर्टिकुलर डे. दोज आर एब्सोल्यूट फिगर्स एक्सप्रेस्ड ऑन अ पर्टिकुलर डे. हेंस बैलेंस शीट इज अ स्टॉक कंसेप्ट. बैलेंस शीट इज अ स्टॉक कंसेप्ट एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट इज अ फ्लो कंसेप्ट. बिकॉज प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फॉर द ईयर हम कंसिडर कर रहे हैं. वी आर ट्राइंग टू डिनोट द प्रॉफिट एंड लॉस विद रिस्पेक्ट टू अ पीरियड. हेंस इट इज कॉल्ड एज अ फ्लो कंसेप्ट राइट. इसी तरह से हम जो डिमांड है सप्लाई है प्रोडक्शन है इसे हम क्या करते हैं टाइम के साथ डिनोट करते हैं. भाई
कल हमें, परसों हमें, आज, अभी, एक घंटे बाद, दो घंटे बाद, इतनी इतनी क्वांटिटी ये प्राइस की चाहिए, राइट? वी आर ट्राइंग टू डिनोट द डिमांड विद रिस्पेक्ट टू टाइम. व्हेनेवर वी डिनोट एनी टर्म विद रिस्पेक्ट टू टाइम, इट इज कॉल्ड एज अ फ्लो कंसेप्ट. हेंस डिमांड इज ऑल्सो अ फ्लो कंसेप्ट. इज दिस पॉइंट क्लियर? सो हेयर वी एंड आर फर्स्ट डिस्कशन ऑन द मीनिंग ऑफ डिमांड एंड द फीचर्स ऑफ डिमांड. आई होप यू लाइक्ड इट. थैंक यू सो मच.